Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study Channel को. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे. तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे अपना सुबह 8 बजे इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम देखते हैं द हिंदू की अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज और साथ में द हिंदू के जितने भी न्यूज़पेपर उन सभी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम कवर करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम इट, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम कवर अप करते हैं. इसके अलावा फन फैक्ट विद वाईफाई और भी बहुत कुछ है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में हमेशा की तरह. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं आज कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिए थे, उनको कवर करेंगे. उसके बाद चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या था. कल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री है? करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी. यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह सारंगी, यानी कि सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. अकॉर्डिंग टू द कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जून वॉज द हॉटेस्ट जून एवर रिकॉर्डेड वर्ल्ड वाइड. निम्नलिखित में से कौन सा जून विश्व भर में सबसे दर्ज किया गया सबसे गर्म जून था? तो अभी जो जून गया है दोस्तों 2019, ये अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म जून था. एक्सटेंडेड द किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू, तो किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो किसको और देने के लिए एक्सटेंशन कर दिया है? यहाँ पे फिशरीज को भी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर को भी. यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट द 2021 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप. तो 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो कौन करने वाला है दोस्तों? उड़ीसा है जो कि करने वाला है. नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ द तेलंगाना. तो तेलंगाना के जो गवर्नर है वो आपको बताने हैं. तो तेलंगाना के और आंध्रा के, ठीक है, आंध्रा के दोनों के क्या है दोस्तों? एक ही है. ये साल नरहरिसिम्हन है जो कि क्या है यहाँ पे गवर्नर है. तो ये साल नरहरिसिम्हन, यानी कि सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी इज द इंडिया बिगेस्ट रिटेलर बाय रेवेन्यू. तो रेवेन्यू के हिसाब से दोस्तों रिलायंस रिटेल जो है वो देश में सबसे बड़ा रिटेलर है जो कि प्रेजेंटली है. आगे बात करते हैं जो कि है, विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल JL-3. तो JL-3 की बात करें तो चाइना ने दोस्तों इसको रिसेंटली क्या किया था? लॉन्च किया था. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज टेकिंग ट्रायल्स ऑफ त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी. तो त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी का ट्रायल जो है वो कौन ले रहा है? इंडियन रेलवेज है जो कि इसका ट्रायल है जो कि ले रही है. रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा. तो लोकसभा से कौन सा बिल पास किया गया? रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर बिल 2019 है, कैडर बिल जो कि रिसेंटली जो है लोकसभा के अंदर पास किया गया. अगला क्वेश्चन है, नासा का डैश स्पेस टेलीस्कोप L9859B नामक एक नए ग्रह का पता कर रहा है. तो टेस है TESS दोस्तों स्पेस टेलीस्कोप है जिसने डिस्कवर किया है एक नया प्लैनेट जिसका नाम क्या है? 9859B है जो कि उसका नाम है. अब चलते हैं आज का कोड ऑफ द डे क्या है. ये दोस्तों कोड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करता है जो कि देर रात को भी पढ़ते नहीं है और सुबह जल्दी उठ के भी नहीं पढ़ते हैं. बिकॉज एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस. हर मॉर्निंग में दो चॉइसेस आपके पास में अवेलेबल होती है, या तो कंटिन्यू करो अपना सोना आप अपने ड्रीम के साथ में, या फिर जाग जाओ और उनको चेस करने के अंदर लग जाओ. जल्दी जो है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. 10 मिनट का और अलार्म और उसके बाद में जो है वो दिन जो है वहीं से स्टार्ट होता है जहां से नॉर्मली जो है आपका दिन शुरू होता है, या पूरी दुनिया का दिन शुरू होता है, या देश में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है किसी भी एग्जाम का उन सबका दिन शुरू होता है. तो दोस्तों सिंपल सी बात है यार, ऐसा करना बंद करो और अपने ड्रीम को चेज करना है तो या तो देर तक रात तक जागना सीखो, और अगर रात को नहीं जागते हो तो सुबह जल्दी उठना सीखो. अगर 4 बजे अगर आप नहीं उठ सकते हो, 4:30 बजे नहीं उठ सकते हो, तो यकीन मानिए दुनिया के अंदर बहुत सारे बड़े काम है जो कि आप कर सकते
सकते हो, लेकिन आप खुद ही नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज आप सुबह जल्दी उठना नहीं चाह रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आप सोने को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। सोने की कोई लिमिटेशन नहीं है यार, 6 घंटे वाले को लगता है 7 मिल जाए, 7 वाले को लगता है 8 मिल जाए, और ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनको 8 घंटे सोते होंगे, जिनको लगता होगा कि यार क्यों ना 10 घंटे सोने को मिल जाए, यार मजा आ जाए, ठीक है ना। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जब लिमिटेशन ही नहीं है तो इस चीज़ के पीछे भागना क्यों, 4-5 घंटे सो और मस्त होकर पढ़ाई करो यार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज के अपना। सबसे पहले द हिंदू फ्रंट पेज है जो कि क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे है जो कि कल आया था, और उसके अंदर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि अभी राइट नाउ से ऑलमोस्ट जो है डबल करने की जो इकोनॉमी की जो तैयारी है उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो इसके बारे में जो मुद्दा है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा पहले तो आपको, कि इकोनॉमिक सर्वे जो है इसके ऊपर, ठीक है, एक तो सेपरेट वीडियो जो है इसके ऊपर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे पूरे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। आज प्रोवाइड कर दूंगा आपको, या तो आज कर दूंगा या कल कर दूंगा, आज ही कर दूंगा क्योंकि कल तो आज जो है 11 बजे जो है आपका बजट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो कल मैं आपको बजट का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, एक सेपरेट वीडियो पूरे बजट के बारे में बता दूंगा आपको। तो उससे क्या बजट आया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, सब कुछ उसके बारे में डिस्कशन जो है हम कर लेंगे। तो आज 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा बजट, तो कल जो है मैं आपको वीडियो दे दूंगा उसमें बजट के बारे में, आज एक और वीडियो दे दूंगा अलग से जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूँ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ अपना इकोनॉमिक अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो क्या करती है, प्रेजेंट करती है इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के अंदर हर साल। जब भी अपना बजट आता है, जस्ट बजट से पहले जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उनकी गाइडेंस के अंदर जो है ना, सुब्रमण्यम है ना भी, उनकी गाइडेंस के अंदर जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर पूरा एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश का जो है उसका पूरा व्यू दिया जाता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है इस एनुअल डॉक्यूमेंट का फ्लैगशिप जो है इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करती है, और जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है वो इसके ऊपर काम करता है। तो देश में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, पिछले प्रीवियस ये 12 मंथ में क्या हुआ है, आने वाले टाइम में हमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या क्या पॉलिसी में इनिशिएटिव लाने की ज़रूरत है जिससे हम आगे जाके डेवलप हो जाए, तो इस चीज़ को लेकर ये पूरी हाईलाइट है जो कि प्रोवाइड करता है, ठीक है। दोनों ही हाउसेज के अंदर इसको प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन के दौरान, और ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, समझ गए मेरी बात। तो ये बेसिक सी बात है जो मैंने आपको बताई। अब हमारे यहाँ पे क्या बात करी गई है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है जो कि कर लेते हैं, करेंगे थोड़ा सा, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आऊंगा वापस से, पहले एक बार फ्रंट पेज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कुलभूषण जाधव जी केस जो कि आपको मालूम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर है, तो 17 जुलाई को जो है इसके ऊपर वर्डिक्ट आने वाला है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री कोर्ट है इनको सजाए मौत जो है वहां पे दे रखी है कुलभूषण जी को, तो उसके ऊपर भारत ने आईसीजे के अंदर अपील करी थी, और दोनों बार जो प्रीवियस आर्ग्यूमेंट हुआ है वहां पे भारत ने जो है बहुत बुरा धोया था पाकिस्तान को उस आर्ग्यूमेंट के अंदर। अभी देखते हैं 17 जुलाई को क्या जो है वर्डिक्ट है जो कि आने वाला है। इसके अलावा बात करें इंद्रानी केस को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, और बीजेपी के काउंसलर ने अटैक किया एक आदमी को यहाँ पे तलवार से, ओके, तो एक इसके बारे में न्यूज है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का एक एमएलए है जिसको 6 महीने की सजा हो गई है असॉल्ट केस के अंदर, मारापीटी के केस के अंदर, तो यहाँ पे वो न्यूज है, ओके। तो कुल मिला के बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में ही डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों ये बताया गया है, ठीक है, कि 2014 से 2018 की जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो चाइना और जो भी टॉप मेजर इकोनॉमीज है दुनिया के अंदर उनसे ज्यादा रही है, समझ गए। एवरेजली बोला गया है कि रियल जीडीपी हमारे पिछले 5 साल के अंदर एवरेजली 7.5 है जो कि रही है 2014-15 के बाद में। यहां पे डाटा दिया गया है कि भाई यूएस की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 1% के आसपास, ठीक है, और मतलब 2% के आसपास है, 2-3% के आसपास है। जापान की अगर आप देखोगे तो ये भी 0 से 2 के बीच में एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2014 से 18 के बीच में। चाइना जो है 6 से 8 के बीच में, इंडिया जो है वो 7 से 8 के बीच में। तो सबसे ऊपर जो है आप देख सकते हो इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में आप देखोगे फ्रांस है, इटली है, ब्राजील, कनाडा, सभी जो है वो 4 के नीचे नीचे है, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी डेवलप्ड है तो इनकी इकोनॉमी इतनी तेज स्पीड से नहीं बढ़ती है। इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये कुछ ऐसे देश है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनके पास में एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ने के। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत आगे है, ठीक है, यूएस हो गया, यूके हो गया, तो इनकी तो कोई 1%, 2%, 3% से बढ़ती है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी आगे है। इसके अलावा यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो इंडिया ने जो है यहाँ पे इंडिया की जो ग्रोथ है यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई सारी पीएसयू की लैंड को भी बेचेगी ताकि, और उस पैसे से क्या करेगी, जो बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो मेजॉरिटी स्टेक जो है उसके अंदर एक तो अपना इनपुट डालेगी और रिड्यूस करेगी मेजॉरिटी स्टेक, ठीक है, ताकि क्या कर सके, बूस्ट कर सके नॉन टैक्स रेवेन्यू को।
ओके, तो इसके बारे में जो है मैं आपको वैसे सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में टॉपिक है तो उसके बारे में कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तो क्या सुब्रमण्यम ने फोकस किसके ऊपर किया है, अपने जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उन्होंने फोकस किया है कि हमें क्या करने की जरूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एक तो देश में डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, ग्रोथ रेट हो गई आपकी, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गई, सब चीज को रिलेट किया गया है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। इसके अलावा सेविंग हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, एक्सपोर्ट हो गया, ये तीन चीजें ऐसी बताई गई है। मैं वापस से मार्क कर रहा हूं, एक तो सेविंग हो गई ये पता रहना चाहिए आपको, इन्वेस्टमेंट हो गया और साथ में एक्सपोर्ट हो गया, ये तीन चीजें जो कि हमको $5 trillion की जो इकोनॉमी है उसको अचीव करने में मदद करेगी आने वाले 5 सालों के अंदर। ये बात है जो कि सुब्रमण्यम जी के द्वारा बोली गई। आने वाले 2019 और 20 के अंदर जो GDP फोरकास्ट बोला गया है वो 7% का है, जो कि बताया गया 7%, ठीक है 7% है जो कि बताया गया, और 2018-19 का जो है वो 6.8% था और उससे 7% करने की लेकर इस बार बात बोली गई है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक मॉडल है जो कि बताए गए हैं भारत को लेकर, कि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, जॉब क्रिएशन करना है, डिमांड जो है उसको इंक्रीज करना है, एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना है, ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें जो कि इसके अंदर बोली गई है। ओके, तो ये बेसिक सी बातें जो कि मैंने आपको बताया, साथ में फिस्कल डेफिशिएट जो है हमारा जो घाटा होता है ना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में, वो भी 19-20 का 3.4% ही रखने की बात करी गई है, समझ गए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो हमारी ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तो कम हो जाएगी, और जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज है, वो बढ़ जाएंगे हमारे देश में। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की भी जरूरत है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, रेस एज फॉर रिटायरमेंट, तो ये बात भी यहाँ पे बोली गई है, समझ गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करी गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है हमें उसके ऊपर भी फोकस करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीजें जो कि यहाँ पे बताई गई है। ओके, ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में जो है मैं और थोड़ा डिटेल के अंदर आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें पूरा स्पेसिफिकली आपके इसके बारे में बात करेंगे अपन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर आठ की बात करें यहाँ पे, तो पेज नंबर आठ से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, ये जो है ये वाले न्यूज है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को लेकर बात करी गई है कि जो हमारे एम्बेसडर है यूरोपियन यूनियन के वो अभी भारत आए हुए थे, उनका नाम है टॉमस, ठीक है, तो उन्होंने बोला है, 2 दिन की विजिट के ऊपर थे चेन्नई के अंदर और बाकी सिटीज में, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट मेजर अपना ऑफशोर विंड एनर्जी पावर प्लांट है, फर्स्ट जो है अपना ऑफशोर विंड एनर्जी पावर प्लांट है जो कि एस्टैब्लिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और ये कहां पे सेटअप किया जा रहा है, कौन से राज्य के अंदर किया जा रहा है, पेपर में आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे, ये गुजरात के अंदर सेटअप करने की बात करी गई है, ठीक है, और EU यूरोपियन यूनियन के जो नेशन है और प्राइवेट कंपनी है वो इसके अंदर मदद करेगी, ठीक है, तो उन्होंने क्लीन एनर्जी के ऊपर, रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन, कल्चर, इन सब के ऊपर बातचीत करी, और इंडिया और साथ में यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन किया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे मेजर जो यहाँ से निकलता है एक चीज जो वो ये निकलती है ऑफशोर विंड एनर्जी पावर प्लांट के बारे में, मेजर जो इसमें फोकस है वो यही किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों, EU जो है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कितने कंट्रीज है, 28 कंट्रीज है जो कि इसके अंदर मेंबर है, किसमें, यूरोपियन यूनियन के अंदर, ठीक है, और सब में क्या है, एक इंटरनल मार्केट है जो कि इन्होंने बना रखा है, एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो कि इन सब लोगों ने बना रखा है, जो कि आपस में मिलकर ये लोग काम करते हैं, समझ गए, हेडक्वार्टर या कैपिटल जो इसको मानते हैं वो ब्रुसेल्स जो है वो उसी को मानते हैं, ऑफिशियली नहीं है लेकिन कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है वो ब्रुसेल्स को ही, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी तो यहाँ पे लंदन है लेकिन अभी आपको मालूम है UK जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, और कैपिटल सिटी यहाँ पे मानते हैं जो वो ब्रुसेल्स को नॉर्मली माना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो पेज नंबर 13 की यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करी गई है, ये देखिए यहाँ पे जो है रिटायरमेंट की उम्र जो है वो बढ़ाने की बात करी गई, बोला गया कि अब हमारे यहाँ पे हेल्थ की जो सर्विसेज है वो ज्यादा है, ठीक है, इसलिए जो है लोगों की उम्र बढ़ रही है,
जो अपनी बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है, आपको मालूम है ना, बच्चा जो करने वाला जो चीजें वो थोड़ी अपन कमी आने वाली जो जनरेशन है वो थोड़ा अवॉइड ही कर रही है, एक या दो बच्चे मैक्सिमम, पहले तो चार पांच तो बड़ी कॉमन सी बात थी। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, हम बोलते ना कि पहले के लोग बहुत ज्यादा जिया करते थे, लेकिन जो डाटा है वो थोड़े से अलग है। अगर मैं देश की आजादी के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे जो एवरेज एज एक अपने भारतीय की हुआ करती थी वो 35 से 40 साल की हुआ करती थी। अब आप बोलोगे सर पहले के लोग तो 100-100 साल जीते थे, तो दोस्तों वो कुछ ही लोग जीते थे, लेकिन नॉर्मली मरने वाले लोग बहुत ज्यादा थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं थी। सांप ने काटा इंसान सलट गया, ठीक है, हॉस्पिटल जाने के अंदर 50 किलोमीटर जाने के अंदर 5 घंटे लग गए, तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत थी, इसलिए वजह से लोग मरते भी बहुत थे, डेथ रेट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन अभी हमने क्या डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, तो डेथ रेट तो हो गई है कम, बर्थ रेट हो गई है ज्यादा, तो इससे वजह से हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है एकदम से बड़ी थी, लेकिन अब जो बर्थ रेट है वो भी धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, लोग समझदार हो रहे हैं, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार लोग समझ रहे हैं इस बात को। चलिए तो यहाँ पे इसके बारे में बात करी गई, इसके अलावा मिनिमम वेज सिस्टम के बारे में बताया गया है, इसके अलावा ठीक है कुछ ये चीजें जो कि यहाँ पे बताई गई है, और रेलवे के एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है कि भाई ट्रेन जो है डिरेल जो होती है, कोलिजन जो होते हैं ट्रेन के वो बहुत कम हो गए हैं, और स्वच्छ भारत से अब हमें क्या करने की जरूरत है, सुंदर भारत बनाने की जरूरत है, स्वच्छ भारत के लिए प्राइवेट फंड की भी जरूरत है, और साथ में अब हमने सफाई के ऊपर तो काम किया, अब हमें इसको सुंदर भारत जो है वो भी बनाना है, इसके बारे में भी बोला गया। ये देखिए ग्रेइंग इंडिया मस्ट डिले रिटायरमेंट एज, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारे देश में अभी जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना वो 2011 के सर्वे में जो है वो 8.6% थी, अभी जो कि डबल हो जाएगी दोस्तों, कब तक, 2041 तक, यानी कि अभी है 20 साल तक बाद की बात करे जा रही है। फर्टिलिटी रेट देखिए हमारे यहाँ पे 3 हुआ करती थी फर्टिलिटी रेट 2001 के अंदर, यानी कि एवरेजली एक वुमेन जो है 3 बच्चे पैदा किया करती थी, अभी जो है वो 2011 में हो गई 2.5 के आसपास, और 2041 की बात करें तो यहाँ पे 1.5 जो है पहुंच जाएगी, समझ रहे, एवरेजली जो है वो 1.5 जो है फर्टिलिटी रेट है जो कि पहुंच जाएगी, तो ये यहाँ पे बोला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शेयर देखा गया है यहाँ पे कि एज के हिसाब से जो है वो शेयर क्या होगा, तो अभी अगर प्रेजेंटली बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा शेयर है 20 साल से लेकर 59 साल तक के लोगों के लिए, मतलब जो एक अच्छा काफ़ी बड़ा शेयर है हमारी पॉपुलेशन में यूथ का, ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड एज जो है वो येलो कलर में आपको जो नजर आ रहे हैं बहुत ही कम है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ये ओल्ड एज का जो येलो वाला है ना ये काफी बढ़ रहा है 2041, तो जो चीज हम 2041 में देखने वाले हैं वो चाइना जापान जो है वो करंटली महसूस कर रहा है, करंटली वहां पे यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्रोथ रेट जो है हमारी 1% जो हमारी जो है पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन रेट जो 1% की जो है वो 2021 से 2031 तक होगी, और 0.5% हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन का 2031 से 2041, ठीक है, तो ये मैंने टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान रखेंगे, आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पेज नंबर 14 पे, पेज नंबर 14 पे बात करें तो यूरोपियन यूनियन की नई चीफ है जो कि बनाई गई है, यूरोपियन यूनियन के बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे लायन है जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट इलेक्ट करी गई है, लायन इनका नाम है, ठीक है, तो लायन इनका नाम है जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट करी गई है, ओके। यूरोपियन यूनियन की करेंसी क्या है, यूरो वहाँ पे करेंसी चलती है, ये आपको मालूम है, यूरो जोन बना रखा है, किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश में जाएंगे तो आपको जो है वो यूरो वहाँ पे आप काम में ले सकते हो, ठीक है, और उनके इसके अलावा वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है वो भी आप काम में ले सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं, एक न्यूज़ है जो कि यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है येस बैंक की, कि येस बैंक दोस्तों 9.47% स्टेक जो है वो एवरेडी इंडस्ट्री के अंदर लेने वाला है, ले लिया है मतलब अक्वायर कर लिया है, येस बैंक ने अक्वायर कर लिया है 9.47 स्टेक एवरेडी इंडस्ट्री के अंदर, और ये बात आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बैंकिंग एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 22 के, येस बैंक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों थोड़ा बहुत, येस बैंक के बारे में भी पेपर में हेडक्वार्टर और बाकी सब चीज़ें पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर तो आपको मालूम ही है मुंबई के अंदर है, और रवनीत गिल अभी आया भी था ये एग्जाम में, कोई CPO या फिर कोई CHSL के एग्जाम के अंदर में से एक में पूछा गया था येस बैंक के बारे में कि अभी नए जो है कौन बनाए गए हैं, तो रवनीत गिल है जो कि बनाया गया, हालांकि ऐसे सवाल बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं लेकिन आजकल जो है दूसरे में ही पूछने लग गए, एक्सिस बैंक का भी पूछा गया था, ठीक है, तो दो बैंकों के बारे में तो ऑलरेडी आ चुका है, और भारत का येस बैंक जो है 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि माना जाता है राणा कपूर अशोक कुमार कपूर के द्वारा 2004 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है,
ओके okay, और अभी चेयरमैन जो है यहाँ पे ब्रह्मदत्त है जो कि चेयरमैन है और रवनीत गिल है जो कि क्या है एमडी और सीईओ प्रेजेंटली यहाँ पे है। ओके okay, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 22 और यहाँ पे शिजोफीनिया के बारे में बात करी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा टॉपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों 18 साल की रिसर्च के बाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है एक नया जीन जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, शिजोफीनिया से। ठीक है, आर थारा आप देख सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने जो क्विंसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ जो क्विंसलैंड है वहां पर रिसर्च करी है और इस जीन के बारे में पता किया है। नियर बाय 3000 लोगों के इंडिविजुअल के जो शिजोफेनिया से ग्रसित है उनसे जो है पूरी तरीके से उनके वो करी गई रिसर्च करी गई उनके ऊपर, फाइनली जो है एक जीन जो है पता किया गया जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, शिजोफेनिया से। काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा शिजोफेनिया के बारे में, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। अक्सर जो है आपने सुना होगा गांव के अंदर शहरों के अंदर बहुत जगह पे होता है कि कोई इंसान है एक्स पर्सन है, जैसे कि मान लो कोई रामलाल है। अब रामलाल को क्या होता है, कोई इमेजिनरी पर्सन है जो कि नजर आता है। रामलाल बोलता है कि मुझे भूत नजर आता है, जनता बोलती है इसको भी भूत नजर आता है, कोई भूत बोलता है, कोई क्या नाम देता है, कोई क्या नाम देता है, समझ रहे हो ना, बहुत सारे सिनोनिम जो है बहुत सारे होते हैं इस चीज के। तो रामलाल बोलता है मुझे कोई एक आदमी नजर आता है, मुझसे बात भी करता है, लेकिन रियलिटी के अंदर जनता बोलती है कि भाई वो तो कोई सामने है ही नहीं, और अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि रामलाल को क्या दिखता है, भूत दिखता है। तो दोस्तों एक ही अपने नर्वस सिस्टम की जो अपने ब्रेन की एक प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की एक ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं शिजोफेनिया डिजीज है, जो कि शिजोफेनिया होता है। अब अक्सर अपने इंडिया के अंदर तो जो है इसको क्या बोलते हैं एक भूत प्रेत वाली बात बोलते हैं, झाड़ू फूक पता नहीं 50 चीजें जो कि करी जाती है, लेकिन एक्चुअली के अंदर ये क्रॉनिक और एक सवियर मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें इंसान कैसा सोचता है, महसूस करता है, बिहेव करता है, वो थोड़ा सा बदल जाता है। ओके, तो उन्हें लगता है कि जो मेरे सामने पर्सन है वो बहुत ही रियल पर्सन है, तो उससे वो कनेक्शन करने की पूरी कोशिश करता है, और जनता बोलती है कि भाई सामने तो कोई है ही नहीं। आज तक जो है इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो पता नहीं लग पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जेनेटिक इन्वायरमेंटल कई सारे ब्रेन की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने की वजह से ऐसा हो जाता है, समझ गए मेरी बात। और उसी जीन के बारे में यहाँ पे इन्होंने जो 18 साल के रिसर्च के बाद में इसके बारे में पता किया है। हो सकता है आने वाले 5-10 साल के अंदर इसके ट्रीटमेंट है वो भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन अभी जो है रिसेंट अभी तो है प्रेजेंटली ऐसा कोई भी नहीं है, समझ गए। आपने एक मूवी देखी होगी, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने देखी होगी, एक ब्यूटीफुल माइंड करके एक पिक्चर है, रियल स्टोरी के ऊपर है ब्यूटीफुल माइंड। अगर आपने नहीं देखी कभी आपका मन हो तो इस मूवी को देखिएगा ब्यूटीफुल माइंड, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है, रियल स्टोरी के ऊपर है। जो यहाँ पे पर्सन होते हैं उनको भी शिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और अपने यहाँ पे तो अक्सर जो है उसको भूत प्रेत वाली जो है चीज़ें जो है वो बताते हैं अपने यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपके इसमें कंसेप्ट है जो कि क्लियर हो जाएंगे कि भाई अगर आप किसी को कोई चीज़ दिखती है तो एक ये एक डिसऑर्डर है यार, एक ये ऐसा नहीं कि भाई ठीक है भूत प्रेत डायन पता नहीं क्या क्या नाम है जो कि अपने यहाँ पे दिए जाते हैं, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं हम जो कि है जगन्नाथ यात्रा के बारे में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आप देख सकते हो दोस्तों बहुत बड़ी यात्रा है जो कि स्टार्ट हो गई है, और ठीक है उड़ीसा के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पर इसको देखा जाता है, पुरी के अंदर स्टार्ट हो गई है, लाखों लोग गैदर हुए पुरी के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ को विटनेस करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे लॉर्ड बालाप्रद देवी सुभद्रा, ठीक है, तीन जायंट जो वुडन चैरियट्स होते हैं उनके ऊपर जो है उनको लेके जाया जाता है, ट्रैवल कराया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, गुडीचा मंदिर तक भक्त जो है उनको खींच के जो है वहां पे लेके जाते हैं। ओके, एक तो कौन से भगवान जगन्नाथ हो गए, भगवान बलभद्र हो गए, और एक देवी सुभद्रा हो गई। तो ये जो है लकड़ी के तीन बड़े बड़े रथ होते हैं आप देख सकते हो ना इसके अंदर, उनके अंदर जो है इनको जनता जो है भक्त जो है वो खींच के लेके जाते हैं गुडीचा मंदिर है वहां तक, ठीक है। और जगन्नाथ यात्रा जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है और 12th सेंचुरी के से काफी फेमस है। ओके, और वार्षिक हर एनुअली क्या किया जाता है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ में मुझे बताइए कई बार एग्जाम के अंदर ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, और व्हाइट पगोड़ा के बारे में भी पूछते हैं कि ब्लैक पगोड़ा जो है वो किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए ब्लैक पगोड़ा कौन सा होता है। दोस्तों देखिए हमेशा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ब्लैक पगोड़ा जो है वो किसे कहते हैं दोस्तों, कोणार्क का जो सन टेम्पल है हम उसको कहते हैं, ये फिरंगियों द्वारा नाम दिया गया था ब्लैक पगोड़ा और व्हाइट पगोड़ा,
ओके, बिकॉज रिफ्लेक्शन में जो है कुछ कलर जो है ऐसे नजर आया करता था। वैसे ही दोस्तों ब्लैक की जगह व्हाइट पकौड़ा भी कई बार पेपर में पूछते हैं कि व्हाइट पकौड़ा जो है वो कौन से राज्य में है या कौन सा मंदिर है जो कि व्हाइट पकौड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो व्हाइट पकौड़ा की अगर आपसे पेपर में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथपुरी। व्हाइट पकौड़ा कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथ जो है जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे थे, तो ये जो टेम्पल है इसको हम व्हाइट पकौड़ा भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कशन पहले भी कर चुका हूँ। इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है गरुड़, उसकी शुरुआत है जो कि अभी रिसेंटली कर दी है। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है इसको, फ्रांस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, छठा एडिशन है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं UIDAI, फर्स्ट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र है जो कि दिल्ली और विजयवाड़ा के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि कर दी गई है। अब ये क्या है, ये कि यानी कि आधार सेवा केंद्र है, और इसका मतलब क्या होगा, जो भी फैसिलिटी अगर आपको आधार से रिलेटेड चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो UIDAI जो अथॉरिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इसको सेटअप किया है, आधार सेवा केंद्र है जो कि इसको सेटअप किया है। ठीक है, और 53 सिटीज के अंदर इसको कवर करने की बात बोली गई, 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में, और CEO कौन है अभी UIDAI के, अजय भूषण पांडे हैं जो कि अभी CEO हैं। MOU साइन किया गया BPRND और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट योगा के बीच में। देख लेते हैं थोड़ा बहुत BPRND क्या है दोस्तों, यह है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और साथ में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, इन दोनों ने MOU साइन किया है ताकि इनको ट्रेनिंग करवा सके, CIPF के जवान और बाकी जो है उनको क्या कर सके, योगा सिखा सके। आगे बात करें तो IMF ने अपॉइंट किया है यहाँ पे इकोनॉमिस्ट डेविड लिप्टन को इनके इंटरिम चीफ। तो आपको मालूम है यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टिन लिगार्ड जो है उन्होंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, और यहाँ पे रिप्लेस जो है उन्होंने किसने किया है, लिप्टन है जो कि इकोनॉमिस्ट थे, जिनको अभी यहाँ पे क्या बनाया गया है, हेड है, जो कि रिसेंटली बनाया गया है, क्योंकि क्रिस्टिन लिगार्ड जो है उनको नॉमिनेट किया गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेड। ठीक है, IMF की बात करें 45 में बना, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ है। मनोज कुमार नाम्बियर को चेयरमैन जो है MFIN के अपॉइंट किया गया है। MFIN क्या है वो भी देख लेते हैं, ये क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, उन्होंने इलेक्ट किया है मनोज कुमार जी को मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि रिसेंटली किसके हैं, एरोहान फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं। MFIN के अंदर दोस्तों 56 NBFC है और MFI है, 40 एसोसिएट हैं, कई सारे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सभी जो है इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अब हम देखते हैं दोस्तों 5 महत्वपूर्ण सवाल जो कि 2019 में के करंट अफेयर्स से 2019 के पेपर में पूछे गए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वो CPO के एग्जाम की बात करने वाले हैं, यानी कि पुलिस से का जो जो भी एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, जैसे कि दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, या SSC का है, तो उन सभी के लिए ये काम में आएंगे। तो दोस्तों 12 मार्च 2019 को तीसरे शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया करंट अफेयर का, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास, शिक्षा और प्राकृतिक संसाधनों ने विकास में योगदान के लिए कन्याकुमारी में डैश को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2015, 16, 17 सबके जो है गांधी जो है पीस प्राइज दिए गए थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि 2015 का किसको दिया गया था, तो मेरे ख्याल से विवेकानंद, ठीक है, विवेकानंद केंद्र है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये देखिए 2015 को में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को सम्मानित किया गया, 16 जो है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, 17, ठीक है, यहाँ पे एकल अभियान, और 18वां योही ससकवा को दिया गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पेपर में वापस से आपसे पूछा जा सकता है गांधी पीस प्राइज के बारे में। अगला सवाल आया था आपके CPO में, फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सा बनाया गया है। पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन सा था, ये हमारा 100वां एयरपोर्ट था जो कि पैंगयोंग एयरपोर्ट था। ठीक है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था ना, ये देखिए 100वां कहाँ पे, सिक्किम के अंदर इसको बनाया गया था, सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स है। जनवरी 2019 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने राज्य की चाय के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया था, और यहाँ पे त्रिपुरा के प्रतिष्ठित लैंडमार्क डैश में शामिल है। तो कौन सा लैंडमार्क जो है वो उसके लोगों के अंदर शामिल है, ये पूछा गया। त्रिपुरा के अंदर एक बहुत ही फेमस पैलेस है दोस्तों, मुझे पता नहीं आप में से कितने को पता होगा, नीर महल नाम का एक बहुत ही फेमस पैलेस है जो कि त्रिपुरा के अंदर, ये देखिए पानी के अंदर बना रखा है। तो ये लोगो जो है ना वो इसके अंदर दिखाया गया था। ठीक है, वाटर पैलेस है इंडिया के अंदर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़ा। ये जनवरी 2019 का करंट अफेयर आया था क्वेश्चन। अगला है, केंद्रीय मुख्य गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए यात्रा मानदंडों के अनुसार डैश आयु वर्ग के भारतीय लोक पहचान प्रमाण के रूप में आधार का उत्पादन करके
नेपाल और भूटान की यात्रा करते हैं, यानी कि नेपाल और भूटान के अंदर जो है वो आपके आधार काम में आ सकते हैं। कितने साल तक के लोग हैं जो कि आधार जो है काम में ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और मैंने आपको बताया था कि 15 से 65 साल तक के जो लोग हैं वो इस आधार को आईडी के तौर पे काम में ले सकते हैं। तो ये जनवरी 2019 का करंट अफेयर से सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आया था। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल चैंपियनशिप 2019 की किसने जीती थी, और ये यहाँ पे किसके द्वारा, ठीक है, बारबोरा के द्वारा जीती गई थी। तो ये देखिए समंता के द्वारा, समंता, ठीक है, ये देखिए समंता के द्वारा और जैंग के द्वारा। तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्होंने, ठीक है, इस टूर्नामेंट को जीता था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है, जनवरी के अंदर होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गए, विंबलडन हो गया और यूएस ओपन हो गए, ये चार क्या विनर्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं आज का फन फैक्ट विद वाईफाई स्टडी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं करंट के जो सवाल पूछ रहे हैं वो काफी हर एग्जाम में आसान आते हैं अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो। तो ब्रिजेश चौधरी का कहना है कि वन ऑफ योर इमोशन लास्ट 240 टाइम्स लॉन्गर देन द अदर्स। सारे इमोशंस जो है वो बराबर टाइम तक आपके बॉडी में नहीं रहते हैं। सैडनेस, जब आप बहुत ही दुखी होते हो तो एवरेजली 4 दिन लगते हैं उसको जाने में, ठीक है, जो कि बाकी सारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा आगे जो है उससे है कंपेरेटिवली। जैसे कि अगर आप किसी जेलस फील करते हो, खुश फील करते हो, डेस्परेशन, एंजाइटी, जेलस, गिल्ट, फेयर, शेम, ये सब जो है ये थोड़े ही टाइम के लिए इमोशंस होते हैं। लेकिन दोस्तों सैडनेस को एवरेजली जो है ऐसा बोला जाता है, माना जाता है कि 4 दिन तक जो है वो लग जाते हैं दूर होने में। ओके, तो अगर कोई सैड हो तो लोड मत लिया करो, ठीक है, 2-4 दिन के अंदर सैडनेस भी चली जाएगी और बाकी सारे इमोशंस हैं वो भी चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लोड मत लिया करो और बढ़िया पढ़ाई किया करो। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सवाल क्या है। पहला सवाल, जगन्नाथ रथ यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए भाई कौन सा वाला कथन जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन UIDAI के CEO हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। सारी मिनिस्ट्री जो है मैं आपको डेली एक क्वेश्चन के अंदर ही करवा दूंगा, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सरकार 2019-20 सीजन के लिए ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अगला है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे उसके पंच मिशन के लिए नासा द्वारा सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है। इंडो फ्रेंच ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज गरुड़ जो है वो कौन सी साइट के ऊपर शुरुआत करी गई है। उस भारतीय समर्थक मुक्केबाज का नाम बताएं जिसे विश्व मुक्केबाजी परिषद का एशिया का खिताब जीता। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का एशिया टाइटल जो है वो उन्होंने अभी रिसेंटली जीता है। भारतीय रेलवे कितने ट्रेन के डिब्बों में CCTV कैमरा लगाएगी। उस देश का नाम बताएं जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये सारे थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से डेली अपनी अच्छी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू रखें, साथ में किसी और को भी पढ़ाते रहें अगर आपको लगता है कि अगर आपके आसपास जो है किसी की आपको जरूरत है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको मालूम है कि 7 तारीख को शाम में 7 बजे जो है वो लाइव जरूर आना है, कई सारे नए चैनल का अनाउंसमेंट है जो कि आपके लिए करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों वाईफाई स्टडी 2.0 जो चैनल है अपना उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, CTET और CDS, NDA कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अच्छे वीडियोस यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों NTPC के टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, रेलवे के जो और भी कई सारे आपके कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी वाईफाई स्टडी के चल रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आप RRB JEE के जो CBE 2 की नॉन टेक और टेक, ठीक है, CBE 2 का जो JEE है, JEE का टेक और नॉन टेक, ओके, CBE 2 के लिए, इसके अलावा NTPC के जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है वो, इसके अलावा ग्रुप डी के जो मैथ का कोर्स है वो यहाँ पे चल रहा है, ये सभी दोस्तों आप देख सकते हो। ठीक है, आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मात्र 700-800 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको रेलवे का लेना है
और रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। लेने से आपको काफी बेनिफिट होगा और आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। जैसे रेलवे SSC किसी भी एग्जाम की कर सकते हो, UPSC किसी भी एग्जाम की। फॉर एग्जाम्पल रेलवे की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करी, ओपन करी, उसको नीचे प्लस लिखा होगा दोस्तों, प्लस पे क्लिक करें। उसके बाद में कोई भी एग्जाम आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, ठीक है, UPSC, कोई से भी एग्जाम। रेलवे अगर आपने कर लिया तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने का ऑप्शन आएगा, 3 महीने या 6 महीने का आप ले सकते हो, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक अच्छी प्रिपरेशन कर सके। कूपन कोड के अंदर वाईफाई स्टडी जरूर लिखिएगा। वाईफाई स्टडी लिखने के बाद अप्लाई करोगे तो 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ठीक है, आप एनरोल कर लीजिए वाईफाई स्टडी को, उसके बाद में वाईफाई स्टडी के सारे कोर्सेज जो है आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वापस से मिलेंगे 9 बजे वाली क्लास में। 9 बजे वाली जो क्लास है उसमें मैं इलेक्शन के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इलेक्शन के बारे में, पॉलिटी के बारे में, पार्ट 15 के बारे में पढ़ना है तो क्लास में जरूर आइएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।